और न्यूज वगैरह का टाइम आता है तब, तो अभी डार्क साइड देखने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके बाद अभी आप अगर ये पोजीशन देखोगे तो ये पोजीशन वैसे की वैसे स्टक है, कॉल करो तो ये कॉल पिकअप नहीं करते, और जब इनको लाइक अकाउंट वगैरह ओपन करना होता है तभी दे वर लाइक कि हम अकाउंट ओपन करके देते हैं। और अगर ये उसके बाद फिर लगाए पेंडिंग ऑर्डर हटा दो, ब्रोकर को कॉल करें तो ब्रोकर हम पे चढ़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों को एक डार्क साइड दिखाता हूँ ट्रेडिंग का, ठीक है। और डार्क साइड आज देख लो, ठीक है, जब भी ऐसा इलेक्शन वगैरह का टाइम आता है तभी इस वक्त आपको ये डार्क साइड देखने को मिलेगा, और न्यूज वगैरह का टाइम आता है तभी, तो अभी डार्क साइड देखने के लिए तैयार हो जाओ। एक अकाउंट के अंदर क्या हुआ, मैंने जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड पंच किया और मैंने आज जो प्रीमियम है वो मैंने देख नहीं पाया, ठीक है, सुबह में, तो मेरा जो ट्रेड है वो मैंने पंच कर दिया था, और पंच करते से ही आप देखो प्रॉब्लम क्या हुआ है। एक अकाउंट के अंदर पोजिशन सारी एग्जिट हो गई, ठीक है, 646 का लॉस हुआ मुझे, जैसे ही पता चला कि मैंने तो मैंने सारी पोजीशन जो एग्जिट कर दी, और एग्जिट करने के बाद मुझे 646 रुपीस का लॉस हुआ। अभी मैं आपको जरा एक बार ना दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ मेरा फ्लैग ट्रेड, इसके अंदर जैसे ही पोजीशन पड़ी पड़ते ही विद इन अ सेकंड 2200 रुपीस का लॉस दिखा, और उसके बाद अभी आप अगर ये पोजीशन देखोगे तो ये पोजीशन वैसे की वैसे स्टक है, ये एग्जिट नहीं होगी। क्यों नहीं एग्जिट हो रही, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बायर्स ही नहीं है। तो 131 पे मैं ऑर्डर लगाया हूँ, जिधर जाओ उधर ऑर्डर लगा रहा हूँ, पर ये पोजीशन जो है एग्जिट होने को तैयार। एंड दिस इज लाइक कि अगर मैं इसके अगेंस्ट में दूसरे ब्रोकर में भी लाइक मैंने क्या किया है, दूसरे ब्रोकर में बाय किया है, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये हेज हो जाएगा, बट ये बाय भी नहीं हो रहा दूसरे ब्रोकर में, ये सेम पोजीशन, ठीक है। तो दूसरे ब्रोकर में ना ही ये पोजीशन बाय हो रहा है ना ही ये पोजीशन सेल हो रहा है, तो दूसरे ब्रोकर में अगर मैं बाय कर लूं तो ये हेज हो जाएगा, और फिर जो है इसके अंदर जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट रहेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये दूसरे ब्रोकर के अंदर भी बाय नहीं करने दे रहा। तो जिन लोगों को लगता है कि लाइक भाई ट्रेडिंग इज लाइक सेफ, तो उनके लिए ये डार्क साइड, ठीक है, ट्रेडिंग का, क्योंकि ऐसी चीजें हो सकती है। सिर्फ लाइक ऐसा ही नहीं होता कि आप लोगों को लगता है कि भैया बंदा ट्रेडिंग से कमा रहा है, तो उसके साथ कुछ नहीं होता कभी भी, ऐसी चीजें हमें फेस करनी पड़ती है। अभी देखो लॉस बढ़ते जा रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां पे बायर नहीं है और मैं पोजिशन नहीं निकाल पा रहा। ब्रोकर को कॉल करे तो ब्रोकर हम पे चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग कि ये देखो यहाँ पे भी अगर देखोगे पोजीशन, तो यहाँ से भी जो अभी फिर से ऑर्डर डाला और फिर से एग्जिट नहीं कर पा रहा। तो भाई ये साइड भी ना यूट्यूबर जितने भी जो स्कैम भी बना रहे हैं, जरा ये साइड का भी स्कैम दिखा दिया करो लोगों को, ठीक है। तो क्या है ना, ताकि आप लोगों को सिर्फ जो चीजें हो वो जो है वो भी बताया करो, बाकी चीजें मत बताया करो सिर्फ लोगों को, ठीक है। तो सारी चीजें बताया करो इन डिटेल में। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे लफड़े भी होते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। आप प्रॉफिटेबल होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसे लफड़े नहीं होंगे, मेरे साथ हो रहा है। देखो नथिंग, कुछ नहीं कर पा रहा मैं, ये पोजिशन यहीं पे स्टक है, ये पोजिशन ना ही एग्जिट हो रहा है। आप देखो ऑर्डर डालते जा रहा हूँ, एग्जिट करते जा रहा हूँ, स्क्वेयर ऑफ भी करूँ तब भी ये स्क्वेयर ऑफ नहीं होगा, ऑर्डर के अंदर वो चला जाता है। देखो स्क्वेयर ऑफ एग्जिट मार्केट पे किया और बाय, देखो ये वही का वही पोजीशन है, बट पेंडिंग ऑर्डर में चला गया है, ठीक है। ऐसे सिलसिले या ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा और कोई नहीं बोलेगा ऐसी चीजों के बारे में, ब्रोकर्स और उनके लफड़ों के बारे में। तो देखो दिस इज लाइक कि नॉट कि ये एक बार हुआ है और ये इसी या किसी एक ब्रोकर के अंदर हो रहा है, ये सभी ब्रोकर में हो रहा है। जीरोधा, एंजल वन, फायर्स, सभी, ये फ्लैट ट्रेड है उसके अंदर भी हुआ है। और जब हम इसके कस्टमर केयर को फोन करते हैं, जैसे कि हम जितने भी ब्रोकर्स में ट्रेड करता हूँ, कर चुका हूँ मैं सभी में कर चुका हूँ, तो अगर आप जितने भी ब्रोकर्स में ट्रेड करो उनके सभी के कस्टमर केयर को अभी हम फोन लगाते हैं और इनसे एक बार बात सुनो, ओके, इनके क्या बोलते हैं, इनका एक व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट्सएप नंबर। देखो तो ये फ्लैट ट्रेड वालों का ये व्हाट्सएप नंबर है, और ये लोग क्या है ना, ये लोग, इन लोगों ने अभी कॉल उठाया था और देवर लाइक कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एक्सपायरी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ये वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, बल्कि ये MIS पोजीशन है जो कि ये एक्सपायरी तक की बात कर रहा है, ठीक है। अभी अगर इनको कॉल करो तो ये कॉल पिकअप नहीं करते, और जब भी इनको लाइक अकाउंट वगैरह ओपन करना होता है तभी देवर लाइक कि हम अकाउंट ओपन करके देते हैं, बट जब बाद में है तो वो कॉल वगैरह पिकअप नहीं कर रहे। और अभी अगर आप देखोगे ना तो ये पोजीशन जो है वो यहीं पे स्टक है, सो इस पोजीशन का हम कुछ नहीं कर सकते। एंड दिस इज लाइक कि ये अनलिमिटेड लॉस दे सकता है, मतलब मेरा अकाउंट जब तक खाली होता है तब तक ये लॉस करवा सकता है मुझे,
क्योंकि दिस इज ऑप्शन सेलिंग, तो इसके अंदर अनलिमिटेड लॉस होता है। यहाँ पे 1.5 लाख ही है, इसलिए हम है कि लाइक जाएगा तो 1.5 लाख, पर 1.5 लाख जाएगा ये किसी और का जाएगा ना, तो उसकी तो वाटी लग जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पोजीशन अभी लॉस इसका बढ़ चुका है। यहाँ पे जितना ये अमाउंट है उतना पूरा जाने के चांसेस है। ठीक है, इसके अंदर अगर मार्केट जो है इसको ATM पे लेके आता है तो ओके, इस स्ट्राइक प्राइस को, तो अभी मेरे को नहीं पता क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे को जो दूसरा ब्रोकर है उसके अंदर भी मैं बाय नहीं कर पा रहा जो सेम स्ट्राइक प्राइस है, दैट इज लाइक कि यहाँ पे अगर बाय करना हो तो वो बाय नहीं कर पा रहा हूँ। अभी ये बोल रहा है कि बायर नहीं है, तो सेम जगह पे तो मैं बाइंग कर रहा हूँ तब भी जो पोजिशन है वो नहीं बाय कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स भी नहीं है, तो आप देखो, बट एक्चुअल में मैं तो सेल कर रहा हूँ तो मुझे तो बाय होनी चाहिए पोजीशन। देखो इस पोजीशन को हम मॉडिफाई करके, ये पोजीशन मार्केट रेट पे भी नहीं बाय हो रही और ये लॉस बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पे ये मार्केट रेट पे भी बाय नहीं हो रहा, तो अभी इस पोजीशन का करना क्या चाहिए मेरे को ही नहीं पता। ठीक है, तो ये पोजीशन हमें लॉस दे रही है तगड़ा वाला, तो दैट इज लाइक कि ये 139 का प्रीमियम है, और आगे ATM जो चल रहा है ना, एक बार देख लो, 1000 रुपीज का ATM चल रहा है। अभी अगर ये ATM पे पहुंचा तो वाट लग जाएगी वीडियो, बट देखते हैं क्या होता है। अभी क्या ही कर सकता हूँ मैं, इसको कुछ निकाल नहीं पा रहा, ब्रोकर तो आंसर नहीं कर रहा कुछ भी क्वेश्चन का, तो अभी कुछ नहीं कर सकता। सर अभी तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, तो फिर ये पोजिशन जो है यार, ये तो फिर अनलिमिटेड लॉस भी दे सकते हैं मेरे को। आप एक बार IOC में एग्जिट करके देखिए, मार्केट डालिए, IOC डालिए, देखिए एग्जिट करके एक बार। मार्केट और IOC डाल के भी अगर मैं एग्जिट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, देखो मैं मार्केट और IOC डाल के एग्जिट कर लेता हूँ एक बार आपके लिए। नहीं हो रहा, वो ऑर्डर पेंडिंग में जा रहा है पर वो एग्जिट नहीं हो रहा, पेंडिंग में जा रहा है। पेंडिंग ऑर्डर अलग करिए, उसके बाद फिर लगाइए। पेंडिंग ऑर्डर हटा दूं? पेंडिंग ऑर्डर आप लगाइए, आप सेम नहीं हट रहा, वो डायरेक्ट पेंडिंग ऑर्डर ही आ रहा है वापस, वो पेंडिंग ऑर्डर हटाने के बाद भी फिर से पेंडिंग ऑर्डर गिर जा रहा है। आपकी ओर से वो पूरा पोजीशन एग्जिट नहीं हो सकता क्या? एक चीज होता है ना कि आपकी तरफ से भी एग्जिट हो सकता है। नहीं, हमारी साइड से भी होता है, बट अगर वो आपको ऑप्शन ही नहीं देगी, अगर सिस्टम कुछ स्टक होता है वहीं पे तो हम वो चेक कर सकते, बट सिस्टम कहीं पे स्टक नहीं है, वो आपका जो वैलिडिटी है वो उस कारण से हो रहा है। एक सेकंड दीजिए, मैं अपने सीनियर से बात कर लेता हूँ। हाँ एक बार बात करके देखिए ना प्लीज, मतलब कि ये देखो 46300 का पी है ना यहाँ पे, इसके पास में कोई ऐसा पी ही बताओ जिसके अंदर अवेलेबिलिटी, मतलब इसके उसके अंदर जो ये है कि मैं बाय कर सकूंगा उसको 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस दूर का। मैं आप हैज करना चाह रहे हैं वापस से? हाँ, बट मैं आपको आप में से अगर स्टैक प्राइस पर्टिकुलर डाल के पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा, बट आप मेरे को अगर बोलेंगे कि मैं आपको पर्टिकुलर स्टैक प्राइस सजेस्ट कर दूं तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। आप अगर स्टैक प्राइस मेरे को बताएंगे मैं बेसिक अपडेट आपको बता दूंगा, उसमें डेप्थ ठीक है मैं समझ गया आपको। एक काम करता हूँ, मैं आपको स्ट्राइक प्राइस बताता हूँ, ठीक है? आप मुझे सिर्फ बताइए कि वो स्ट्राइक प्राइस क्या अवेलेबल है क्या। ओके ओके, एक सेकंड, आप 3-4 पॉइंट ऊपर भी देख लीजिएगा, मतलब 3-4 स्ट्राइक प्राइस ऊपर भी देख लीजिए, 3-4 स्ट्राइक प्राइस नीचे भी देख लीजिए। हाँ ठीक है, मैं वही करता हूँ, 3-4 स्ट्राइक प्राइस नीचे देखता हूँ। 46200 पे है, 46200 पे है ना, तो एक सेकंड, इसके अंदर तो मतलब लफड़ा ये है कि बीच बीच के स्ट्राइक पे कोई नहीं है, बाकी बीच बीच में है। देखो भाई लोग, तो अभी मैं आपको ना, ये ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है, इसका मैंने खुद ही सॉल्यूशन निकाला था पहले, अभी मैं इसके अंदर ना और एक ट्विक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। लाइक अगर हम किसी भी चीज को ऑप्शन सेल किया हुआ है उसे अगर हेज करने जाए, तो अगर उसे हेज करने वाले हैं हम, तो हमें क्या करना होगा, एक ओटीएम बाय करना होगा। ओके, बट आप इस कंडीशन में एक चीज देखो, आओ यहाँ पे पास में, अभी देखो 46300 का क्या प्रीमियम चल रहा है, 147, और 46200 का क्या प्रीमियम चल रहा है, 248, तो ये क्या हो गया, ये उल्टा हुआ। ओके, इसका ये प्रीमियम चलना चाहिए था, इसका ये चलना चाहिए था, पर यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है इसलिए इसका ये चल रहा है और इसका ये चल रहा है, तो उल्टा पुल्टा यहाँ पे। तो ये उस उल्टे पुल्टे सिस्टम में मैं आपके यहाँ पे समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे अभी यहाँ पे एक साइड का प्रीमियम जो चल रहा है वो 244 चल रहा है और दूसरा जो है वो 147 है, यानी कि मेरे पास प्लस में इतने क्रेडिट है 147 और मेरे पास माइनस में इतने क्रेडिट है, तो मैं नेट क्या हुआ, मैं नेट बायर हो गया यहाँ पे। अभी देखो आप, अभी देखो आपको बताता हूं, अगर 147 में से 244 निकाले हम, ठीक है, 244 में से 147 निकाले हम, तो कितना बचता है हमारे पास, आपको दिखा देता हूं, 97, ठीक है, ये देखो 97।
अभी हम यहाँ पे ना कुछ भी करके 97 पॉइंट्स का लॉस हमारा होगा, मार्केट कुछ भी करे तो। ओके, ये मैंने क्या किया, मैंने हेज कर लिया इस पोजीशन को, बट ये हेज कितने हद तक वर्क करेगा अभी मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये जो है उल्टा हेज है। लाइक जो देखो, कभी भी हेज होता है ना तो कैसे होता है कि समझ लो कि 244 का आपने सेल किया है और 147 का आप बाय करते हो, दिस इज कॉल्ड हेज। ठीक है, आप कम का बाय करते हो, यहाँ पे उल्टा हुआ है, हमने ज्यादा का बाय कर लिया है। क्यों? क्योंकि जो हमने ओटीएम ही बाय किया बट ये ज्यादा का है। ओके, और इसी की वजह से जो हम नेट बायर है और अभी हम 97 पॉइंट्स का लॉस हमें होगा, तो 97 × 15 एक बार करके देखते हैं, तो 1455 रुपीस और हम एक्स्ट्रा लॉस करेंगे इसके अंदर, जो कि होगा लाइक ये ऑलरेडी 2000 का लॉस था हमारा, 3455 रुपीस का लॉस होगा नेट नेट, तो 2% के थोड़ा सा ऊपर लॉस होगा हमें। तो ये मैंने किया है, ठीक है। अभी इस कंडीशन में लाइक अगर आप, आपकी बारी आए ऐसी कंडीशन में अगर आप फंसो तो आप भी सेम तरीके से कर सकते हो, बट आपको समझना चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग होता कैसे है। ठीक है, यहाँ पे अगर दिक्कत यह है कि हम नेट बायर बन चुके हैं एंड बट फिर भी चलो हम इतना ही लॉस देंगे तो हमारा लॉस जो है कैप्ड है। अभी क्या हो गया कि अगर समझ लो कि वो 147 वाला चलो 2000 चला गया, तो ये जो 246 वाला है वो भी हमारा 2500 चला जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हम प्रॉफिट में रहेंगे। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर समझ लीजिए कि अगर लॉस होता है तो कितना हो सकता है, लॉस होता है तो हमें 97 पॉइंट्स का लॉस होगा, क्योंकि ये बहुत ओटीएम है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरे को लाइक अभी के ऑड्स के हिसाब से जब मैं फंसा हुआ इस पोजीशन में तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बेसिकली मेरे को जितना समझ में आया उस हिसाब से मैंने मेरा जो पोजीशन है वो हेज करने का ट्राई किया। अरे फ्लैट ट्रेड वालों को कॉल। हेलो, हाँ मैम, मैंने एक पोजीशन लगाया है उसके अंदर अभी, तो अभी मुझे एक देखिए उसमें इतना वॉल्यूम नहीं है इसलिए वो बाय सेल नहीं हो पा रहा है। आप उसमें पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखिए, वो अगर वॉल्यूम होगा तो वो बाय सेल हो जाएगा, नहीं तो आपका MIS ऑर्डर है वो एक्सचेंज साइड से ऑटो सेटलमेंट 3:30 बजे तक हो जाएगा। हाँ, बट एक चीज क्या हुई थी मेरे साथ पिछली बार, कि अगर समझ लीजिए कि 3 बजे तक मेरा पोजीशन MIS रहा, तो ब्रोकर ने क्या किया था, मेरा पोजीशन जो है वो कन्वर्ट कर दिया था। ओके, तो और वो ब्रोकर ने बाद में क्या बोला था मुझे कि अगर आपका MIS पोजीशन पड़ा हुआ है 3:22 तक तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। पक्का हो जाएगा ना, मैं उसको हेज करने के लिए बाय, ठीक है, मैंने हेज करने के लिए उसे दूसरे पोजीशन को बाय कर लिया है, उसे हेज करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा लॉस ना हो, बट ट्राई करना कि वो दोनों पोजीशन एग्जिट करवा दो। ओके, हाँ, मैंने लाइक दो अभी उसके साथ हेज बाय कर लिया है ना, ताकि उसको ज्यादा लॉस ना हो, अनलिमिटेड लॉस। हाँ, दो पोजीशन ये 46200, हाँ, ये दोनों पोजीशन एग्जिट करवा देना, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है, मतलब मेरा अनलिमिटेड लॉस होगा ना अगर वो एक को ही रखूंगा तो, मैं तो मैंने इसीलिए दूसरी पोजीशन बाय कर ली, ताकि एक में अनलिमिटेड लॉस हो तो एक में अनलिमिटेड प्रॉफिट रहेगा, तो इसलिए मैंने उसे हेज किया हुआ है। तो आपने अभी बाय किया है, तो उससे वो मैं प्रोटेक्टेड रहूंगा बस, बट फिर भी हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। एक और कंडीशन बता देता हूँ, अभी अगर समझो कि इन लोगों ने स्क्वेयर ऑफ नहीं किया पोजीशन, तो ये बोल रहा है, बट मेरे साथ एक पीछे हो चुका है कांसा, जिसके अंदर मेरा पोजीशन जो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, अभी अगर इन लोगों ने पोजीशन स्क्वेयर ऑफ नहीं किया, जो कि 266 का प्रीमियम और ये 114, अगर समझ लीजिए यहाँ पे पास में लिखा, अगर समझ लीजिए कि ये जो ऊपर वाला 114 है वो पूरा डीके हो गया और ये 266 भी पूरा डीके हो गया, तो अभी नेट नेट हम क्या हुआ, सेम ही हुआ हमारे साथ 97 रुपीस का लॉस। कैसे नेट नेट लॉस हुआ, क्योंकि 114 का ही प्रीमियम है जो हमने बेचा था, ये जीरो हो गया और ये 266 का मतलब जितना बचा है इन दोनों में से उतने का हमें लॉस होगा। अभी बढ़ेगा भी तो वही होना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत उल्टा हो रहा है, तो देखते हैं अभी कि ओवरऑल क्या होता है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 3 बजे तक एग्जिट कर देंगे, बाकी आप बने रहो इस ब्लॉग के अंदर, जो होगा वो देखा जाएगा। हमारा 100 डेज चैलेंज में एक बड़ा हमें आज लॉस होगा 2% के ऊपर का थोड़ा सा, तो 2.25% का लॉस होगा, बट ठीक है, अभी मेरे को, मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। मैंने आप लोगों को बताया कि इस पोजीशन में करना क्या चाहिए, मैंने आप लोगों को सिखाया भी है इस पोजीशन में करना क्या चाहिए, एक्चुअल में करना कैसे चाहिए। आपने समझ लीजिए कि मार्केट नीचे, मतलब आपका पोजीशन जो है 46, अभी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार चार्ट के ऊपर, जीतू इधर से आ जाए, इस साइड से आ जाए,
ये नंबर इनको क्लियर दिखने चाहिए, ठीक है। अभी मैं ना आप लोगों को यहाँ पे एक चीज क्लियर समझाता हूँ, ठीक है। अभी देखो मैंने इन नंबर्स को थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि आपको, हाँ अभी राउंड नंबर्स में दिख रहे हैं आपको। अभी देखो फॉर एग्जांपल के लिए समझिए कि आपका पोजीशन 47,300 है और आपका पुट साइज का पोजीशन है, तो आप नीचे वाला जो पोजीशन है 47,300 के नीचे जो भी होगा 47,200 इसे आप बाय करोगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, हमने वैसा ही किया है, हमने सेम टू सेम किया है, बट प्रॉब्लम क्या आया है कि इसके अंदर प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए और इसके अंदर प्रीमियम कम होना चाहिए, बल्कि उल्टा है यहाँ पे, इसके अंदर ज्यादा है और इसके अंदर कम है। तो ये चीज है जो कि मुझे परेशान कर रही है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे इसका प्रीमियम कम हो रहा है, बट ये हिल तक नहीं रहा जगह से, ठीक है, ये हिल भी नहीं रहा जगह से, इसका प्रीमियम कम हुए जा रहा है और ये हिल नहीं रहा जगह से। तो दैट इज वन मोर थिंग। और ये क्यों हो रहा है, रीजन क्योंकि जो ये है ये बहुत OTM है अभी के मार्केट के हिसाब से, तो मैं OTM में फंस चुका हूँ, ये बहुत ज्यादा OTM है। और ये जो है ये भी OTM है बट इसके अंदर लिक्विडिटी है, तो ये हिल रहा है, और इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है तो ये हिल नहीं रहा। तो जो लॉस अभी ये दिखाएगा ना, ये उससे ज्यादा दिखाएगा, 3000 से थोड़ा अभी लॉस जो है हमें ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि यही कम हो रहा है, ये कम नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर ये 223 पूरा जीरो हो जाता है ना, तो मुझे इसके अंदर लॉस दिखाएगा ये, क्योंकि 223 का पूरा लॉस होगा मेरा, बट ये जो है ये 147 उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं, मैं तो कुछ ही नहीं कर पाऊंगा इस पोजीशन को। हेज करने के लिए लिया, बट जैसे कि आप देख सकते हो एक्चुअल में 3500 तक ही लॉस होना चाहिए, बट ये जो हेज है वो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि जो 147 है ये जो पोजीशन है वो डीके नहीं हो रहा, और ये डीके हुए जा रहा है, ये 260 से 220 आ चुका है। ये अगर डीके होके 15 चला गया ना, तो इधर 200 पॉइंट में गया, ठीक है, 266 पॉइंट में गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा 266 पॉइंट का लॉस होगा, प्लस ये लॉस लूंगा वो वाला, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है, क्योंकि इसके अंदर ये हिला ये डीके नहीं होगा, तो फिर ये मुझे बहुत दिक्कत देगा, ये बढ़ा पर ये डीके नहीं हो रहा। अगर आप देखोगे 114 से 147 गया पर ये डीके नहीं हो रहा, और यहाँ पे 266 से ये 215 चला गया, यहाँ पे डीके वहाँ पे डीके नहीं है। तो 3500 का लॉस होना चाहिए देखा जाए तो, बट लॉस जो है उससे ऊपर जा रहा है। तो मैं आपको पूरा कंडीशन ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता चले कि होता क्या है, क्या क्या चीजें हो सकती है आपके साथ, आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी। अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे जो हमारा पोजीशन है वो MIS का पोजीशन है, और जो MIS का पोजीशन है कितने बज चुके हैं देखो, 3:26 और पोजीशन कट नहीं हुआ, ठीक है। अभी ये किसी ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा पता नहीं, बट यहाँ पे इसके अंदर प्रॉब्लम ऐसा आया। अभी मैंने हेज तो ले लिया और उसे नॉर्मल कर दिया, क्योंकि ये पोजीशन जो अपने आप MIS से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस पोजीशन के अंदर कोई सेलर है ही नहीं, ओके। तो ये एग्जिट नहीं होगा, तो यहाँ पे अभी दिक्कत ये है कि हमें इस पोजीशन को लेके दूसरे दिन तक होल्ड करने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एग्जिट नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट वीक मैं पूरा ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पोजीशन अटका पड़ा है और उसकी वजह से मेरा कुछ प्रॉपरली ट्रेड नहीं होगा। तो इसलिए मैंने जो ये है, मैं नेक्स्ट पूरा वीक जो है हम ट्रेड नहीं करेंगे, और प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए जो मार्जिन जो लग रहा था भाई, तो आज मुझे नॉर्मली जो लगता है उसका डबल मार्जिन लगा है, तो भाई इसलिए हम जो नेक्स्ट पूरा वीक है वो ट्रेड नहीं करने वाले हैं इलेक्शन का टाइम। और अभी ये पोजीशन देखो 156 का 156 ही कब से बहुत टाइम हो गया उसको, और ये हेज बाय किया था उसके अंदर डीके होते जा रहा है, बट इसके अंदर ना ही डीके हो रहा है ना ही ये बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है 10-10 पॉइंट करके, और बस वहीं पे फिर अटका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका कुछ भी नहीं है, हिल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, अभी देखते हैं। हमने इस आज पोजीशन जो लगाया है उसके चक्कर में ये बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, क्योंकि सुबह में ये जो पोजीशन है मैंने बहुत जल्दी लगाया था, और जल्दी में मैंने क्या किया था, ये जो पोजीशन है हमारा ये अलगो के थ्रू लगा था, तो ये लगने की वजह से मैं ऑप्शन चेन नहीं देखा, और सीधा ये जब पोजीशन लगा तो ये बहुत ज़्यादा दूर का OTM लगा, और फिर अभी इसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये एंट्री तो ले लिया बट एग्जिट करने के लिए इसको वहां पे पोजीशन कोई है ही नहीं, ठीक है। अभी ये अटका पड़ा है हमारा पोजीशन, एंड 2 मिनट और 2 मिनट के अंदर ये पोजीशन जो है कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल के अंदर, नॉर्मल ऑर्डर में। अगर पोजीशन एग्जिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हमें इसे कैरी फॉरवर्ड करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। 1 मिनट बचा लास्ट, दैट्स इट, ये नॉर्मल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो ये ऑर्डर पड़ा हुआ है बट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। यहाँ पे मेरा जो लॉस है वो 4000 तक भी गया था एक टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये डीके करते जा रहा है, और इसके अंदर ना ही डीके हो रहा है ना ही, बट ये बढ़ते जा रहा है बट डीके तो नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हम स्टक है अभी, थोड़ा सा डार्क साइड भी है ट्रेडिंग का जो मैं आज आप लोगों को दिख रहा है और जो मेरे साथ ही हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट क्लोज हो चुका है, एंड दैट्स इट।
हमारा पोजीशन जो है वो होल्ड है अभी भी, अभी इसे हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ऑर्डर भी वैसे का वैसा पेंडिंग है और जो पोजीशन है वो भी वैसी की वैसी है। ठीक है, और मार्केट क्लोज हो चुका है। सो डार्क साइड जिन लोगों को देखना था उन लोगों के लिए, MS 3497 के लॉस में है। कल देखते हैं अभी इस पोजीशन का क्या होता है।